दिल्ली जंतर मंतर ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता महिला पहलवान अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आंदोलन कर रही है और कानूनी कार्रवाई कर दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हमारे देश की खिलाड़ी महिलाएं हैं वो अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार जो है टस से मस नहीं हो रहा है और ना ही उन्हें न्याय मिल रहा है। उनकी मांग को लेकर उनकी मांग की ओर नजरअंदाज किया जा रहा है। आज उसी श्रृंखला में शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे बैनर पे दिखाई दे रहा है देश की बेटियों को इंसाफ दो, ऐसे बैनर के साथ मोदी सर बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या मांग है, क्या बताओगे आज आप जो है महिला कुश्ती पटना? पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के राजधानी में कुश्तीपटु वहाँ पे जो लेडीज है वो इतनी सारी रियाज करके इतनी मेहनत करके अपने आप को वो खिलाड़ी बनाती है, अच्छे अच्छे देश के लिए मेडल जो लाती है, देश का गौरव पूरे जग में पूरे वर्ल्ड में फैलाती है, लेकिन वही महिलाएं वही कुश्तीपटु आज दिल्ली के जंतर मंतर पे महीने से बैठी है, लेकिन किसी भी प्रकार से मोदी सरकार भाजपा सरकार किसी भी प्रकार से उनको तवज्जो नहीं दे रहा। आरोप इतना गंदा है कि उसके ऊपर भी किसी भी प्रकार की छानबीन नहीं हो रही। ब्रिजभूषण सिंह ये बोल रहे हैं कि हमारी नार्को टेस्ट करो, वो जब बोल रहा है तो सरकार वो नार्को टेस्ट तक के नहीं कर रही, और यही महाराष्ट्र की सरकार महाराष्ट्र के सीएम उसी ब्रिजभूषण को जिसके ऊपर ऐसे इसके निचले तरीके के आरोप लगे हुए हैं ऐसे ब्रिजभूषण को महाराष्ट्र में बुला के वहाँ पर कुश्ती का खेल खिलाते हैं। हम इसका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी युवक और सारे हमारे पदाधिकारी आज उस कुश्तीपटु को न्याय देना चाहिए, इसलिए हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता मैदान में उतरे। हम देख पा रहे हैं कि कई मतलब दिनों से वो जो कुश्तीपटु महिलाएं हैं वो बैठी है, आंदोलन कर रही है, अपनी तकलीफ बता रही है, लेकिन जो सरकार है केंद्र सरकार वो टस से मस नहीं हो रही है। लेकिन अब जो है हम देख पा रहे हैं कि पूरे देश भर से उन्हें जो है उनकी जो मांग है उसके लिए भी सब पार्टियों की तरफ से आंदोलन किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज आप भी आंदोलन का रास्ता आपने अपनाया है, क्या बताना चाहोगे मोदी सरकार? हमारा एक ही मांगनी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जिन्होंने हमारे देश के लिए मेडल दिलाए और जो हमारे देश के लिए बेटियां खेल रही है उन बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। ब्रिजभूषण सिंह पर जिस पर आरोप है तत्काल उन्हें गिरफ्तार करनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये सारी चीज़ों पे क्यों मौन है? भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद एक भी विधायक नागपुर के हो ऑल ओवर इंडिया के हो वो सभी क्यों मौन है? क्यों नहीं बीच में आके वो लोग बोल रहे हैं? क्यों नहीं वो गिरफ्तार करने की मांग ब्रिजभूषण सिंह को कर रहे हैं? ब्रिजभूषण सिंह इन्हें इतना प्यारा क्यों है? यही हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक प्रश्न चिन्ह है और हमारी मांगनी है कि जल्द से जल्द ब्रिजभूषण सिंह को गिरफ्तार करना चाहिए, अन्यथा हम लोग और तीव्र आंदोलन करेंगे। हमारे साथ नूतन रेवतकर जी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के महिला सेल से वो है, क्या बताओगे आप एक महिला हो और जिस तरह से महिला जो खिलाड़ी है वहाँ आंदोलन कर रही है अपनी मांग को लेकर, जिस तरह का उन पर उन्होंने आरोप लगाया है यौन शोषण का, तो क्यों मोदी सरकार चुप है और आपकी ओर से क्या मांग की जाए? आज हमारे देश की बेटियाँ हमारे देश का सम्मान करती है, हमारे देश के लिए उन्होंने अनेक मेडल लाए है, उनको आज खुद के लिए न्याय मांगने के लिए रास्ते पर उतरना पड़ा, ये बहुत ही हमारे लिए शर्मनाक बात है। मोदी सरकार ब्रिजभूषण सिंह को क्यों इतना प्रोटेक्ट कर रही है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। ब्रिजभूषण सिंह पे पॉक्सो का भी गुना दाखिल है और पॉक्सो का गुना दाखिल है तो उसमें अटक होनी ही चाहिए। जब तक आरोपी को अटक नहीं होगी तो चार्जशीट आप दे नहीं सकते हो, तो उसको अटक क्यों नहीं की जा रही है? और आज भी वो उसी फेडरेशन पे विराजमान है तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। आज आप देख रहे होंगे कि वो बच्चियों को रास्ते पर आना पड़ा, उनको वहाँ से हटाया गया। आज 23 मार्च से वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, 28 तारीख को उनको वहाँ से हटाया गया। एक तरफ महाराष्ट्र सदन में सावरकर की जयंती मनाई जा रही थी, हमारी थोर महिला जो सावित्रीबाई फुले है अहिल्याबाई होलकर है उनके पुतले हटाए जा रहे हैं, और उसी समय यहाँ पर इन खिलाड़ियों को पुलिस द्वारा खींचातानी हो रही है, मारपीट की जा रही है, तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। उनको न्याय मिलना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा बेटियों के सम्मान में रास्ते पर है, आएगी और उनके सम्मान में खड़ी रहेंगी। धन्यवाद। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 23 मार्च से जो है ये जो खिलाड़ी महिलाएं हैं ये आंदोलन कर रही है और जहां इन मेडल जीत के लाते हैं तब कहा जाता है कि देश की बेटियां जो है
देश की बेटियां करके कह के इन्हें संबोधित किया जाता है, लेकिन आज वही देश की बेटियां जो है जंतर मंतर पर अपनी हक के लिए, अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन केंद्र की सरकार जो है वो टस से मस नहीं हो रही है। अब देखना होगा कि इन जो महिला खिलाड़ी है इन्हें कब तक न्याय मिल पाता है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।